वॉइस टुडे टीवी नेटवर्क के साथ मैं सैयद उस्मान अली। हैदराबाद दक्कन की सरजमीन सदियों से उलमाए कराम का मस्कन रही है और इस सरजमीन पर हर वक्त बेफिक्र के उलमा और मुबल्लिगीन अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं ताकि हैदराबाद दक्कन की सरजमीन पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आम किया जा सके और इस्लाम को तकवीत दे सके। और आज इसी सिलसिले में अहले हदीस मकतब फ़िक्र की जानिब से ईदगाह बिलाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने अपने इज्तिमा की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराया। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराए रास्त। मैं आप लोग वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिही नबील करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। मोहतरम नाज़रीन किराम, साबिका की तरह इस साल भी 16 फरवरी को बाद नमाज असर तार रात 10 बजे अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम पर इसी ग्राउंड पर मुनक़िद होने जा रही है। हम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अवामुन्नास को पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा ये इस्लाम सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, हमारी यह शरीयत सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नबी बनकर नहीं आए बल्कि सारी इंसानियत के लिए आप नबी बनकर आए। ये इस्लाम सारी इंसानियत के लिए है और हमारी यह शरीयत सारी इंसानियत के लिए है। और हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं, इसी इस्लाम के अंदर अमन है, सलामती है और इसी इस्लाम के अमल आवारी पर एक इंसान की कामयाबी है। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम ये वाज़ह करना चाहते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लाम हर किस्म की दहशतगर्दी से रोकता है और हर किस्म की ज़ुल्म ज़्यादती से इस्लाम मना करता है। हम अवामुन्नास को इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहते हैं कि सब अगर इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ चाहते हैं तो इस्लामी तालीमात को अपनाएं। इस्लामी तालीमात के अंदर ही इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ है और इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो हर किस्म के इख्तलाफ और इंतशार से इंसानियत को रोकता है। इस इस्लाम के अंदर हमदर्दी, बही ख्वाही और सारे अदल व इंसाफ, मसावात इस इस्लाम के अंदर पाए जाते हैं। हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से सारी आवाम को पैगाम देना चाहते हैं और हम ये भी इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वाज़ह करना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के ज़रिए से किताबुल्लाह सुन्नत रसूल जो हमको दिया है इसको आम करें, इसको फैलाएं, इसकी तरवीज करें, इसकी इशाअत करें और इस्लाम की हक्कानियत लोगों के सामने लाएं। आज जिस तरीक़े से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस अंदाज़ से गुस्ताखियाँ की जा रही है, इनके सद्देबाब के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है और हम अवामुन्नास को यही पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, एक प्यारा मज़हब है और ये कदीम मज़हब है। हर दौर में ये इस्लाम की तालीमात को आम किया गया है और यही सिलसिला जारी है और जमीयत अहले हदीस का क़याम इसी वजह से है। जमीयत अहले हदीस का बुनियादी मकसद यही है, इसका नसबुल ऐन यही है कि खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की तालीम को अवाम के सामने आम करें। इस मकसद के तहत यह कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं आप तमाम से, अवामुन्नास से, खुसूसन मर्द और ख्वातीन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए ज़रूर शिरकत फरमाएं और मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम के खिताबात सुने। इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस से उलमाए इकराम और शहर के मिल्ली और सियासी कायदीन भी इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे और एक बेहतरीन इसका नतीजा ज़ाहिर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप देखते रहिए वॉइस टुडे टीवी नेटवर्क ताकि हम आप तक पहुंचाते रहें हर खबर सच्ची खबर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।